इसमें आपको मैं क्वालिटी बताने वाला हूँ। दो क्वालिटी ऐसे आप देख रहे हैं, दो रख रखी है मैंने। मेरा भाई माइक्रोफैब्रिक क्लो होता है, ये मेरा 800 GSM का है। तो उसमें GSM में ये होता है कि उसमें आप अगर प्रोफेशनल लेवल में जा रहे हो तो उसमें आपको GSM आपका 300 से ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको। तो आप सोच रहे होंगे भाई GSM बोल रहे है क्या भाई, इसकी फुल फॉर्म होते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर। के दाग जो होते हैं इसमें, अगर आप नॉर्मल कपड़े से घिसोगे तो भाई उसमें स्क्रैच लग सकते हैं आपके। अगर इससे घिसोगे तो भाई ये देखो कोई स्क्रैच नहीं आने वाले, इजीली क्लीन हो जाता है। और यहाँ भी क्लीन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, टुडेस व्लॉग इज वेरी स्पेशल, इट्स ऑल अबाउट माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ। और भाई ये बहुत पहले का यूज़ कर रहा हूँ मैं और आपने देखा भी होगा। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे, क्या है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इससे स्क्रैच नहीं लगते हैं, लगते हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो बने रहेगा मेरे साथ और वीडियो को भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पहले बोल देता हूँ। और अब आपको बताता हूँ मैं कि है क्या है। तो भाई आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ लेना चाहिए। अब भाई कई मेरे भाई हैं जो नई गाड़ी ले रखी है, उनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है यार, गाड़ी में स्क्रैच लग जाए, कुछ हो जाए, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती। और जिन्होंने ले भी लिया उनके लिए भी बता रहा हूँ, कई लोग होते हैं भाई आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का कपड़ा जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं बेसिक, नहीं तो भाई फिर वो कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। इसके चक्कर में फिर मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ जो भाई बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है और जो हमारी गाड़ी में स्क्रैच लगने से बचाती है। और इसमें आपको मैं क्वालिटी बताने वाला हूँ, दो क्वालिटी ऐसे आप देख रहे हैं, दो रख रखी है मैंने, यहाँ पर देख लो आप, एक ये क्वालिटी है इसकी, एक ये है। ये भाई हमारा इस कंपनी का है, सॉफ्टस्पन का है, और ये भाई इसका होगा VR का, ये भी मतलब कोई कंपनी ले सकते हो आप। इसमें ग्रेड भी होते हैं एक तरीके से, इस टाइप की क्वालिटी रहने वाली है इसमें। इसमें थोड़े इसके जो माइक्रोफैब्रिक फाइबर हैं ये थोड़े ज़्यादा हैं, इसमें थोड़े कम हैं। और इसका आपको कौन सा चुनना है ये आपको मैं सबसे पहले बता दूँ। अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो इसमें भाई ग्रेड आते हैं, GSM बोलते हैं उसे। तो उसमें GSM में ये होता है कि उसमें आप अगर प्रोफेशनल लेवल में जा रहे हो तो उसमें आपको GSM आपका 300 से ऊपर ही रखना पड़ेगा आपको। अगर 300 से कम वाला GSM वाला लोगे कपड़ा जो माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ होता है तो आपके थोड़ा वो स्क्रैच डाल सकता है हल्का फुल्का, बाकी आप 300 से ऊपर लोगे वो सारे प्रोफेशनल लेवल में आते हैं। और बाकी ये भी मेरा जो है ये 350 GSM का है, तो ये मैंने बुलेट के लिए रखा है और ये अपना गाड़ी के लिए रखा है। ये जो मेरा भाई माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ होता है ये मेरा 800 GSM का है, तो ये काफ़ी हैवी रहने वाला है और इससे भाई बिल्कुल स्क्रैच नहीं रहेंगे आपके। तो अगर आप गाड़ी के लिए ले रहे हो तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि GSM आप ये वाला गाड़ी के लिए ये बड़े वाला लो 800 GSM। और अगर आप बाइक के लिए ले रहे हो, बाइक के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, आप ये भी कर सकते हो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 300 से ऊपर जो भी ले रहे हो 300 से ऊपर GSM वाला लो तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई GSM बोल रहे है क्या भाई, इसकी फुल फॉर्म होते ग्राम पर स्क्वायर मीटर, इसकी फुल फॉर्म है भाई ये। इसका थिकनेस वगैरह दिखाता है कि कितनी इसकी ये है जो इसकी माइक्रोफैब्रिक की, तो ये दर्शाता है भाई ये। बाकी भाई आपको ये वाला ये नहीं है कि आपने जैसे अभी गाड़ी आप देख रहे हो मेरी क्लीन है, अभी इसमें काफ़ी मिट्टी है तो आप सीधा इसको मार दोगे। चाहे भाई आप माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ 800 वाला ले लो, जैसे हाई वाला ले लो, या एकदम टॉप लेवल का ले लो, अगर आपके गाड़ी के ऊपर मिट्टी है, अगर आप मिट्टी को अगर ऐसे करके करोगे साफ तो भाई आपके स्क्रैच आने ही आने हैं। बस हमारा इस कपड़े का काम यही है कि भाई जो हमारे छोटे छोटे ऐसे धूल पट रखे, आप इधर आके देख लो एक बार, जैसे अभी गाड़ी में लाया हो इसमें देख लो धूल पट रखी है, अभी कैमरा जस्टिस कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, इसमें हम ऐसे स्वाइप कर सकते हैं, इसको ऐसे क्लीन करेंगे तो आपको कोई स्क्रैच का दिक्कत नहीं रहने वाली है, इजीली क्लीन हो जाता है। और यहाँ भी क्लीन करेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो मैं शीशे साइड भाई ये पीला कलर है, शीशे साइड ये मारता हूँ, ये शीशे वगैरह हो गए तो ये वाले शीशे हो गए, इधर आके आप देखो, और ये वाले शीशे हो गए, इस जगह मैं ये मारना प्रेफर करता हूँ, बाकी गाड़ी के लिए मैं ये करता हूँ ये वाला इस साइड का। तो ये भाई पूरी वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि भाई आप नॉर्मल क्लॉथ की बजाय आप ये क्लॉथ यूज़ करो तो आपकी गाड़ी में स्क्रैच बिल्कुल नहीं लगने वाले हैं। अब ये नहीं कि भाई आपको जैसे मैंने बताया कि पूरा मिट्टी कर दो, बस हल्की हल्की मिट्टी है तो झाड़ सकते हो, नहीं तो अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा मिट्टी है तो उसके लिए मैंने आपको एक और चीज़ प्रेफर की थी, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ कौन सी की थी। सो गाइस, अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा मिट्टी है तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैंने माइक्रोफैब्रिक डस्टर के ऊपर वीडियो बनाई है, जैसे आपकी गाड़ी में एकदम ज़्यादा मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा, तो आप इससे क्लीन करके ऐसे फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके इस्तेमाल से क्लीन कर सकते हो आप गाड़ी। तो इसका अगर देखना होगा तो यहाँ लिंक आ रहा होगा, देख लेना। और बाकी यही है कि इसके ऊपर था मेन वीडियो, और इसको आप गिल्ला करके भी एकदम कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा क्लीन करनी है तो इसको एकदम गिल्ला कर लो, बहुत ज़्यादा भिगा लो इसको, और उसके बाद निचोड़ लो और एकदम आपकी गाड़ी क्लीन हो जाएगी और ये सूख भी जाता है, एकदम तौलिया का काम करता है।
तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें, स्क्रैच का आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप ये भी ले सकते हो। गाइस एक और चीज़ बता दूँ, अभी वैसे गाड़ी क्लीन रहती है, आप पहले से वो लोग पता होगा आपको, तो बाकी ऐसे ये दाग होते हैं जो ये पेड़ों से निकल के गिर जाते हैं, ये भाई हमारे इससे नहीं जाने वाले, तो थोड़ा सा आप इसको बिगा लो, यहाँ से पूरी कर रहे हो तो भाई पूरी बिगा लो, ऐसे मार दो, कोई आपके स्क्रैच नहीं लगने वाले इसमें। इस टाइप के दाग जो होते हैं इसमें, अगर आप नॉर्मल कपड़े से घिसोगे तो भाई उसमें स्क्रैच लग सकते हैं आपके, अगर इससे घिसोगे तो भाई ये देखो कोई स्क्रैच नहीं आने वाले अपने। इस टाइप के हो गए, ये वाले हो गए, ये हो गया जैसे ये वाला है, इसमें मारेंगे देखो एकदम प्रॉपर क्लीन हो जाएगा आपका, और बिल्कुल आपके स्क्रैच नहीं आने वाले इसमें। तो ये फ़ायदा होया था अपने को माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ का। और वीडियो कैसे लगी हो भाई, अब इस वीडियो को इतने शॉर्ट ही रख रहे हैं भाई, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ आपको बताने का, नॉर्मल सी चीज़ थी आपको बतानी थी माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ के आगे, और बाकी इसके दो तीन चीज़ें मैं एक्स्ट्रा और एक्सेसरीज वगैरह लाने वाला हूँ भाई, उसके ऊपर ब्लॉग आएंगे अभी धीरे धीरे करके आएंगे। और बाकी वीडियो कैसे लगी हुई तो भाई अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और शेयर करो दबा के और सब्सक्राइब भी करो दबा के, और मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई गाइस मौज लो, नहीं मिलते खोज लो और खोजो जरूर, और भाई जिंदगी में खुश रहो, मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ।